मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, वहीं कई जगह दर्दनाक हादसे भी हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण सांताक्रूज पूर्व में त्रिमूर्ति चौल के 3 घर अचानक ढह गए और चौल के पास खुले नाले में एक महिला और 2 लड़कियां गिरकर बह गईं। वहीं नाले में बही एक अन्य लड़की को बचा लिया गया, जिसे वीएन देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और हादसे में उत्तर मुंबई के गोराई तट से 12 किलोमीटर दूर समुद्र में एक नौका डूब गई, जिसमें सवार 2 मछुआरे लापता हैं। लकी स्टार नाम की इस नौका में 13 मछुआरे सवार थे, जिनमें से 11 को बचा लिया गया। इस हादसे के दौरान एक अन्य नौका पर सवार लोगों ने पानी में छलांग लगाकर 13 में से 11 लोगों को बचाया, लेकिन 2 लोग अब भी लापता हैं। अभी तक नौका का भी पता नहीं चला है। वहीं कांदिवलीपुर में भी एक हादसा हुआ। समता नगर स्थित वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के समीप भूस्खलन के कारण पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया। यह घटना मंगलवार की सुबह घटी, जिसे राहगीरों ने कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय के समीप की पहाड़ी देखते ही देखते ढहकर सड़क पर गिर पड़ी। इस हादसे के कारण क्षेत्र का आवागमन काफी समय तक प्रभावित रहा। घटना में किसी के आहत होने की खबर नहीं है। हालांकि भूस्खलन की चपेट में एक वाहन आने की जानकारी मिली है। संवाददाता दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।